पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर पर ही आप अपना कैसे सुंदर से सुंदर मेकअप, अपना फेशियल और ब्यूटी से रिलेटेड सारे काम आप घर पर बैठे ही कर सकते हैं बिना कोई पैसे के। घर में जो सामान आपके पास है वही सामान यूज करके आप अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब शादियों का सीजन शुरू ही होने वाला है, ऐसे में महिलाएं चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए पार्लर पर जाकर फेशियल और क्लीनअप करवाती हैं। लेकिन कई बार इतना समय नहीं होता है कि पार्लर पर जाकर ट्रीटमेंट लिया जाए। ऐसे में चेहरे को चमकदार बनाने के लिए महिलाएं घर पर भी फेशियल कर सकती हैं। घर पर फेशियल करने से स्किन पर किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा और साथ ही आप अपने समय के अनुसार फेशियल कर सकते हैं। घर पर फेशियल करना काफ़ी सस्ता भी पड़ता है क्योंकि ये फेशियल दूध और किचन में रहने वाली सामग्री से आसानी से हो जाएगा। मिल्क फेशियल स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियों को भी कम करने में मदद करेगा। आइए जानते हैं कि घर पर मिल्क फेशियल करने का तरीका क्या है। हमने इस फेशियल को मिल्क फेशियल को चार भागों में बांटा है। तो पहला भाग है क्लिंजिंग। फेशियल करने से पहले चेहरे को क्लिंज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्लिंजिंग करने से चेहरे की अंदरूनी सफाई होती है। दूध से चेहरे की क्लिंजिंग करने के लिए हाथ में थोड़ी मात्रा में दूध को लें। अब इस दूध से चेहरे को हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। चेहरे पर इसे 5 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद नॉर्मल पानी से साफ कर लें। ऐसा करने से चेहरा फेशियल के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपके स्किन ऑयली है तो इसमें टमाटर का रस भी मिला सकते हैं। दूसरा स्टेप है स्क्रबिंग। फेशियल का दूसरा स्टेप स्क्रबिंग होता है। स्क्रबिंग करने से चेहरे के डेड सेल्स आसानी से निकल जाते हैं और चेहरा चमकदार बनता है। दूध से स्क्रबिंग करने के लिए दूध में काफ़ी पाउडर को मिलाएं और इस मिश्रण से हल्के हाथों से चेहरे का मसाज करें। ध्यान रखें, हमें चेहरे की मसाज के बाद इस मिश्रण को चेहरे पर 5 मिनट तक लगा कर छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से साफ करें। तीसरा स्टेप है मसाज। मसाज करने से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और चेहरे पर निखार आता है। स्क्रबिंग करने के बाद चेहरे की मसाज करने की काफ़ी ज़रूरत होती है क्योंकि इसके बाद स्किन काफ़ी रफ़ हो जाती है। ऐसे में मसाज से स्किन को पोषण मिलता है। चेहरे की मसाज करने के लिए दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर हल्के हाथ से मसाज करें। इस मिश्रण को चेहरे पर 5 से 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से साफ कर लें। चौथा और अंतिम पार्ट है फेस पैक। मसाज करने के बाद चेहरे पर फेस पैक लगाना आवश्यक होता है। फेस पैक लगाने से फर्स्ट ग्लोइंग के साथ चेहरे के दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं। चेहरे पर पैक लगाने के लिए पपीते को मैश कर लें। अब इस पपीते में दूध मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस पैक को चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक लगा कर रखें। इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से साफ कर लें। ये पैक टैनिंग को दूर करने के साथ चेहरे को चमकदार बनाने में मदद करता था। तो ये मिल्क फेस पैक है। मिल्क से आपको चेहरे का मसाज करना है। ये मसाज 45 से 1 घंटे के अंदर आप एकदम ब्यूटीफुल बन जाएंगे। आपका चेहरा नीट एंड क्लीन होगा और उसके बाद आप मेकअप करके आप कहीं भी शादी में आप जा सकते हैं। तो ध्यान रखें, हमारा चैनल आप देखें रेगुलर।
अभी इस चैनल पे हमारा रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो आइकॉन बटन है, बेल आइकॉन बटन है, वो दबा दें, तो हमारा जो वीडियो नया आएगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। धन्यवाद।